उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान कमिश्नर सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 24 मार्च को प्रदेश में आयोजित होने वाले बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव के द्वारा जिले में 24 मार्च को आयोजित तो होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव के द्वारा वीसी की गई है और निर्देश दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा नकल विहीन करवाया जाए, जिसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगवाना अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि पेपर को ले जाने और लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और परीक्षा वाले दिन विद्युत आपूर्ति बाधित न रहे, जिसको देखते हुए सभी संबंधित विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजे, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, अभी तक व्यवस्था ये थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से ऑफलाइन प्रिंट होकर के हर केंद्र में जाते थे, वो तो जाएगा, पर जस्ट इन केस कभी ये हुआ कि किसी बच्चे का छूट, बच्चे को दोबारा देवान मारे या कुछ करे, बच्चे का इम्तिहान छूट जाए, इस बार हम लोग ने कहा कि आप ऑनलाइन उसी समय प्रधानाचार्य डाउनलोड करके उसको वेरीफाई करके बच्चे को भेज सकते। इसमें चीटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, अगर वो फोटो हैक करके कोई और ये प्रॉक्सी लोग इम्तिहान दिलाने वाली पुराना एक प्रथा रही है, क्योंकि अभी हम लोग वो क्यू आर कोड या तो पढ़ने का हमारे पास मशीन है, हर जगह वी मेड दैट ही क्यू आर कोड कर दे, एक स्क्रीन लगा दे अलग से चर्चा करें तो दिस टेक्स्ट एंड अलग से चर्चा करें, टेक्स्ट एंड व्यू इट्स अ व्यवस्था बना दी, टेक्नोलॉजी गिव्स यू अ सॉल्यूशन व्हिच इज एब्सोल्युटली डिस्ट्रिक्ट द डीआईएस हैज सेट अप एक्सपर्ट्स टू आंसर द चिल्ड्रंस क्वेरीज कि हमको कोर्स क्या पढ़ना है, जैसे बच्चे पूछते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, 1853105312 पर दो हेल्पलाइन नंबर हम लोग ने इशू जारी कर दिए हैं, विचार क्रियाशील फ्रॉम इट अकाउंट हम लोग ने फॉर ग्रीवांसेस फेसबुक पेज हम लोग ने कर दिया है और डेडिकेटेड ईमेल्स हम लोग ने बना दिए हैं फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर इमीडिएट पब्लिक जितने भी तुम्हारे परीक्षा के अंदर सभी जगह इसको डिस्प्ले करवा जी सर, ये आपका ये ट्विटर अकाउंट है, ये आपका जो हेल्पलाइन नंबर है, सबको बड़ी आपकी वेबसाइट पे ये बोर्ड सिग्निफिकेंटली जब भी आपका कोई होता है वेबसाइट वहाँ पे एक फ्लैश आना चाहिए कि आपको अगर कुछ पूछा तो ये नंबर है जिसके ऊपर आप कर सकते हैं, इसको आप फ्लैश में करा दें। आगामी 24 मार्च से जो उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर आज माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी जिले के सभी सीनियर अधिकारियों को कि किस तरह से परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण संपन्न कराया जाएगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट से जो भी समस्याएं आएंगी उसको लेकर हमारी क्या तैयारी होगी, परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, कंट्रोल रूम की व्यवस्था, पेपर को लाने ले जाने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी को लेकर जो लगातार रेगुलर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए तथा उनके परिवहन के लिए सुचारू व्यवस्था कराने के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।